तो आज का शाउट हो जाता है फ्लैट गेमिंग विथ मी, फिर सौरभ गेमिंग, अनीता कुमारी, मोंटू सिंह चौहान, विघ्नेश जोशी, और उन्होंने लिखा है कि 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए ब्रो, तो थैंक यू भाई, और सबको थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। फिर टेक्निकल बॉस, शायद हमदन, फिर निज टेक, एक्सबॉक्स गेमिंग, आरजीएफ शूटिंग क्लब, सत्यम, फिर एफटीडी, राजवीर जट, विशु घोष, और मिस्टर वर्स, माई कैट मल्टी, माइनक्राफ्ट गेमर टैग, प्रो हंटर गेमिंग। तो थैंक यू कमेंट करने के लिए, और एक और बार थैंक यू 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को फटाफट शुरू कर देते हैं। Few inches later. तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में मैं है ना वेदर को मारने जा रहा हूँ एक और बार। पिछले मतलब मैं है ना ऑफलाइन गया था नेदर में, और बहुत सारा मतलब दो हमको चाहिए थे ना वेदर के स्कल, तो मैंने दो मतलब दो मिल गए और एक एक्स्ट्रा भी मिल चुका है, मेरे पास फिर से चार हो चुके हैं। और मैंने ना गास्ट ईयर भी पांच जमे किए हैं, मतलब कलेक्ट किया है, उससे ना एंड क्रिस्टल बनाएंगे और लास्ट वीडियो में मैं लास्ट में बनाऊंगा, और ड्रैगन को भी रिवाइव करने वाला हूँ। मेरा पता है मैं ना वेदर को क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक एंड में मेरा बीकन हो, फुल एमरल्ड का बीकन होगा एंड में, और एक नेदर में बीकन हो, एक और बार हम मारेंगे हो सके तो वेदर को। तो हर एक जगह पे मैं है ना एक बीकन चाहता हूँ मेरे ना एंड में भी और नेदर में भी और ओवर वर्ल्ड में, तो है इसलिए मैं ना वेदर को मारने जा रहा हूँ। और इलाइट्रा विलाइट्रा पहन लेते सब, और ये हमारा ये तो है ना सब सामान है ना मैं कलेक्ट करूँगा, और डायरेक्ट उड़ते हैं वो डायरेक्शन में जहाँ पे हमने वेदर को मारा था, वहीं पे जाके मारेंगे दोबारा। तो चलिए फिर फटाफट चलते हैं। और है ना बहुत लोगों ने मुझे चैलेंज भी दिया है, तो वो चैलेंज भी मैं कभी कभार पूरा करते रहूँगा। वैसे कभी कभार सीरीज़ का भी वीडियो आएगा जिसमें हम प्रोग्रेस करेंगे, और कभी कभार आपके चैलेंज भी कंप्लीट करूँगा। और हार्डकोर में भी बहुत सारा प्रोग्रेस करना बाकी है, तो उसमें भी मैं अब है ना हार्डकोर का है ना एक दिन सर्वाइवल वर्ल्ड आएगा और एक दिन हार्डकोर आएगा, इस तरीके से लाने वाला हूँ आपसे। तो चलिए फिर फटाफट से है ना हम चलते वेदर को मारने के लिए। तो सारा का सारा सामान मैंने एंडर चेस्ट में रखा है, और यहाँ से चलते हैं। तो चलिए फिर एक मिनट एंडर चेस्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, पहले नीचे कलेक्ट करना बाकी है ना। तो चलो फटाफट चलते हैं, और उसके अंदर सारा का सारा सामान भी पड़ा ही है। तो ये हो गया हमारा एंडर चेस्ट, कलेक्ट हो जा। तो ये कलेक्ट हो गया ना, ओके हो गए। तो हम यहाँ से चलते जहाँ पे ना पिछले बार हमने एंडर ड्रैगन को वेदर को मारा था। तो चलिए इलाइट्रा से जाना बहुत आसान हो गया है, तो चलिए फटाफट चलते, देख सकते हो एक बार में उड़ के ही पहुँच जाएंगे हम वहाँ पर। तो आप भी इलाइट्रा इस तरीके से यूज़ कर सकते हो अगर आप सर्वाइवल वर्ल्ड खेलते हो तो पॉकेट एडिशन में। तो यहाँ पे हमने मारा था, ये देख सकते हो। तो चलिए फिर ओके ओके आराम से। अरे यार मैं तो यहीं पे आके मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास ये था ना, तो मतलब टोटम ऑफ अनटाइम था। तो चलिए यहाँ पे है ना ये रखता हूँ मैं, फटाफट रख दिया, और ये बेड पे रिस्पॉन पॉइंट सेट करते हैं और चलते हम अपने वहाँ पे स्पॉन करके मारेंगे उसको। तो फटाफट से चलता हूँ और मैं वहाँ पे जाके ना स्पॉन करता हूँ उसको। Few inches later. तो फिर चलो इसको स्पॉन करते, मैंने बाकी तो हेड लगा दिया, बस एक हेड लगाना है, तो इसको फटाफट लगाते और दूर भागना है। तो चलो दूर भागो, यार कहाँ फंस गया, ओके निकलो दूर भागो। तो ये बो को हाथ में ले लेता हूँ, और ये अभी फटने वाला है, और फटते ही है ना ये एनिमल्स पे हमला करेगा मेरे ख्याल से, या फिर मेरे पे करेगा। तो ओके लगा ही नहीं यार वो, ये हमला कर दिया, तो निकलो एक जगह से यहाँ से, ओके फिर लगा। चलो इसको मारते हैं फटाफट और आगे निकलते हैं, और ये एक जगह पे रुकता भी नहीं। अरे यार निशाना ही नहीं लग रहा है मेरा, तो ये लग चुका है। चलो एक तो फिर इसको वापस लगाते हैं, और इतना दूर ओके एनिमल पर भी हमला कर रही है तो, और एक जगह पर रुक यार रुक एक जगह, अरे यार चलो ये रुक चुका है। तो एक मारो फिर थोड़ा सा साइड हो जाओ, फिर ये दूसरा लगा ही नहीं, एक और मारो, चलो ये लग चुका है, और यहाँ ये एक जगह पे रुकता ही नहीं है। अरे यार रुक भाई रुक, इतने ब्लॉक तोड़ रहा है, ये मेरे ऊपर आ चुका है एकदम नीचे देख रहा है। चलो भाई इधर दूर भागता हूँ, और कहाँ पे है ये, एक जगह पे रुकेगा तभी मैं निशाना लगाऊंगा ना, एक तो दिखता ही नहीं कुछ, ओके लगा ही नहीं इसको वो। चलो एक लग चुका है, और एक और लग जा, एक और लग चुका है दूसरा, अरे लग गया लग, अरे यार फिर यहाँ वहाँ जा रहा है। तो चलो फटाफट मारते, ओके ये लग चुका है, ओके मेरे को भी इसने फेंक दिया है, तो चलो इसको मारते हैं। ओके ये सेकंड स्टेज पे आ चुका है, और मेरी हेल्थ फिलहाल ख़त्म तो नहीं हुई है, तो चलिए फिर फटाफट मारते हैं। तो पोर्शन का भी इफेक्ट था ना, ओके ये पूरा का पूरा ब्लॉक तोड़ है, इतना लैग कैसे हो रहा है यार। तो जल्दी फटाफट इसको मारते हैं, अरे लग जा, ये लैग हो रहा है, इसको लग ही नहीं रहा मेरे को, मेरा डिवाइस इतना भी अच्छा नहीं है कि इसको देखे, फिर से लैग हुआ और ये कहाँ गायब हो गया।
तो मेरा डिवाइस इतना भी अच्छा नहीं है कि इसको झेल सके, इसके इतने सारे अटैक हो कि मैंने उसके अटैक को डाइवर्ट कर दिया। ऐसा भी होता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो इसको मारते फटाफट, अरे लग यार ये कहाँ कहाँ जा रहा है, चलो लग रहा है, ओके निशाना लग जा, ओके ये कहाँ चला गया, तो ये कहीं पे भी गायब हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए मैं आगे ही नहीं जा पा रहा हूँ, कभी कभार इतना लैग हो रहा है। काश थोड़ा सा अच्छा डिवाइस होता मेरा। चलो कोई बात नहीं, इसको मारना ही है ना हमको, तो लग जा लग जा लग जा, अरे यार लग जा, एक एक दो हिट और, ये लग चुका है एक लास्ट हिट, चल लग जा, ओके नहीं लगा, तो कहाँ चला गया, ये रहा तो इधर चलते, ओके चलो ये मर चुका फाइनली, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मारा है। तो गाइस मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसको मैंने ना इजी मोड में मारा है, पिछले बार मैंने है ना हार्ड मोड में मारा था। तो आपको याद है होगा, अगर आपने वो एपिसोड देखा होगा, पूरा हमारे वर्ल्ड को क्रैश कर दिया था इसने और मुझे बैकअप यूज़ करना पड़ा था, तो वो मैं दोबारा नहीं चाहता था। एक बार हमने हार्ड मोड में है ना एकदम लेजिटली मार दिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बार बार हार्ड मोड में मारे, क्योंकि अगर अच्छा डिवाइस होता तो मैं 100% हार्ड मोड में मारता, लेकिन आप कर भी कह सकते हैं। तो लेकिन मैंने एक बार हार्ड मोड में मारा है ना, बस उतना ही इनफ है, और बाकी बार मैं इजी में मारूँ या फिर नॉर्मल में मारूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मैं कोई टेंशन नहीं कि डरता नहीं, बस है ना ये डिवाइस इतना अच्छा नहीं है ना, तो ये क्रैश हो जाता है पूरा गेम, तो फिर पूरा का पूरा है ना वर्ल्ड मेरा चला जाएगा। इतना मैंने मेहनत किया और जो मैं नहीं चाहता, सिर्फ एक वेदर को मारने के लिए मैं अपने पूरे वर्ल्ड को गंवा नहीं सकता, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए है ना मैंने इसको इजी मोड में मारा है। तो चलिए फिर फटाफट चलते हैं। आप है ना अगर पहले वाले वेदर को मारा था हार्ड मोड में आपको वो देखना, तो जाके देख सकते हो कितनी तबाही मचाई थी उसने, पूरी गेम क्रैश कर दी थी, सब कुछ ख़त्म कर दिया था, इसलिए वो मैं दोबारा नहीं चाहता। तो पता है इसको है ना मैं ना एंड वर्ल्ड में ना ये बीकन को लगाना चाहता हूँ ना, इसीलिए मैंने है ना इस ये वेदर को मारा है। और चलो फाइनली मार दिया भाई ना, मैं लाइटर लेते और फटाफट से ना अपने घर पर चलते हैं। तो सारा का सारा सामान है ना यहाँ से कलेक्ट करते हैं और उड़ के अपने घर पर चलते हैं। तो चलो है ना अब मैं इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंडर चेस्ट को, और फटाफट कलेक्ट करते हैं और निकलते फिर अपने घर पे। तो इलाइट्रा से उड़ कर जाएंगे जल्दी। तो गाइस फाइनली हमने वेदर को मार दिया और मैंने इजी मोड में मारा, मैंने ये आपको पहले ही क्लियर कर दिया और रीज़न भी बता दिया कि मेरा फ़ोन इतना भी अच्छा नहीं है, पिछले बार तो मेरे है ना पूरा का पूरा मैप ही वेस्ट हो चुका था। तो चलिए अब घर पर चलते फटाफट, तो वो मैं दोबारा नहीं चाहता था। तो चलो फटाफट से है ना यहाँ से एक मिनट नेदर स्टार, मैं पता ही ये क्यों बना रहा हूँ, और ये जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं है ना ये ऑब्सीडियन को है ना सॉरी ये वाले जो मैंने ये नेदर स्टार लिया जिससे मैं बीकन बनाऊंगा उसको है ना मैं एंड सिटी मतलब एंड सिटी क्या एंड में बनाऊंगा जहाँ पे एंडर ड्रैगन से फाइट करेंगे। तो अगली बार फाइट करेंगे ना तो हमको यहाँ से भी पावर मिलते रहेगी और हम जल्दी से मैं वापस से स्पॉन करने वाला, और एंडर ड्रैगन को तो मैं हार्ड मोड में ही मारूंगा, उसमें ईजी मोड मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, खाली इस बार मैंने वेदर को इजी में मारा, क्योंकि पिछले बार तो मैंने आपको जैसे बता ही दिया, आपने पिछला वीडियो देखा तो आपको पता ही होगा पूरा गेम ही क्रैश हो गया था, पूरा हमारा वर्ल्ड ही तबाह हो गया था पूरी तरह। तो चलिए फिर इसको फटाफट ओके चलो कोई बात नहीं, अभी पहले ऊपर चलता हूँ मैं, और ऊपर पहले चल लेते हैं। और हमको है ना चाहिए क्या चाहिए, हमको दो ऑब्सीडियन चाहिए, हमारे पास दो ऑब्सीडियन तो ऑलरेडी है, दो और चाहिए। तो फिर कोई बात नहीं, दो लेके आता हूँ फटाफट से मैं ऑब्सीडियन। Few inches later. तो गाइस फाइनली है ना मैं सब कुछ सामान लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पे ना मैंने ना ये देखिए छः है, मैं जब स्कल जमा करने गया था तब ये मैंने मारा था और एक मेरे पास पहले से ही था। तो चलिए इसको फटाफट से यूज़ करते हैं, और इसका मैं यूज़ पता है क्या करूँगा, अरे पहले अंदर चल ले। तो मैं है ना स्कल लेने गया था तो बहुत सारे ब्लेज को भी मारा था, तो ब्लेज रॉड कहाँ रखे मैंने, तो मेरे ख्याल से ब्लेज रॉड शायद यहाँ पे है। तो इसका यूज़ पता है मैं क्या करूँगा, मैं ना एक दो ले लेता बराबर है, तो इसका आई ऑफ एंडर बनेगा, और आई ऑफ एंडर से पता है क्या बनेगा, वो क्या कहते हैं यार उसको, एक मिनट मैं पहले देख लेता हूँ, पहले चार ले लेता हूँ जिससे एंड क्रिस्टल बोलते हैं ना जिससे हम ड्रैगन को रिवाइव करते हैं वो बनेंगे। तो पहले नेदर स्टार ले लेता हूँ, और चलिए फिर फटाफट से ब्लेज बनाते हैं और चार एंडर आई बनाते हैं, और कहाँ पर गया पहले इसको बंद करते, और एक मिनट कैसे बनता है भाई ग्लास, ओके मैं ग्लास लेके नहीं आया, तो ग्लास मैंने कहाँ पे रख दिया, शायद इसके अंदर वापस से नहीं रख दिया हो ना, ओके ग्लास शायद मैं लेके ही नहीं आया, उसमें मैंने ग्लास रखा है, बहुत सारे मेरे ग्लास मैंने उसमें स्मेल्ट होने के लिए रखे थे, कम से कम 10 स्टैक रखे थे। तो चलिए फटाफट से इसको कलेक्ट करता हूँ, ओके ये रहा देखा मैंने कहा था ना। तो एक मिनट यहीं पर एक क्राफ्टिंग टेबल है ना तो यहीं पर बना लेता हूँ। तो देखिए इसके लिए ग्लास टीयर चाहिए और ये चाहिए, तो 1 2 3 4 चलो 4 बन चुका है, और क्या चाहिए होता है, तो एक मिनट ओके ग्लास ख़त्म हो गए, तो मैं तभी सोचूं कि बंद क्यों नहीं रहा है। तो चलिए ये भी लेके इसको फटाफट से हम बना लेते हैं, और ये एक बीकन बन जाएगा, चलो बीकन बन चुका है, और वापस से सारे ग्लास को रख देते और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो है ना हमें ना नेदर में ना एक बीकन बनाएंगे, उसको क्या बोलते यार, एक मिनट
मैं पहले सो के आता हूँ। 8:01 PM। तो गाइस मैं सो के आ चुका हूँ, और हाँ नेक्स्ट वीडियो में ना हमें एंड में है ना हमारे एमरल्ड का ये बनाने वाले बीकन, फुल मैक्स बीकन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके लिए कितना एमरल्ड चेक, अरे नीचे चल भाई, नीचे क्यों नहीं चल रहा है। तो है ना हमें ना एंड के अंदर ये एमरल्ड का बीकन बनाएंगे, तो देखते कितने एमरल्ड के ब्लॉक बन पाते इससे। तो है ना दिखाता हूँ मैं, ओके 13 बन चुके हैं और हमको करीब करीब 160 कुछ चाहिए। तो हमको है ना नेक्स्ट क्या बोलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारे एमरल्ड को ट्रेड करना होगा। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, बहुत सारा हमारे पास रिसोर्सेस अब तो हो गया है। तो हमको 162 लाइक ब्लॉक चाहिए एमरल्ड के, तभी काम होगा। तो चलिए ये है ना इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ना हम एंड में चलेंगे ड्रैगन को, सॉरी ये बीकन बनाने, और बीकन बनाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम रिवाइव करेंगे ड्रैगन को, तो हमको बीकन की भी पावर मिलेगी। मैं है ना क्या चाहता हूँ कि मैं है ना 3 बीकन बनाऊँ, एक नेदर में और एक एंड में और एक ओवर वर्ल्ड में। तो हमारे पास ये है, और इसको हमने फुल हार्ड मोड में वेदर को मार के लिया था, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो चलिए कोई बात नहीं, तो आई होप आपको है ना आज का वीडियो अच्छा लगा। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ना मज़ा आएगा, हम बीकन बनाएंगे एंड के अंदर और उसके बाद ड्रैगन को फिर से रिवाइव करके मारेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।